हिमाचल प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों के चालकों व परिचालकों की मनमानी व गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आलम यह है कि प्राइवेट बस के चालकों व परिचालकों को ना पुलिस का कोई खौफ है, ना ही परिवहन विभाग का कोई डर है, लेकिन प्राइवेट बसों की मनमानी व दादागिरी को लेकर पुलिस व विभाग की लचर हो चुकी कार्य प्रणाली लोगों पर भारी पड़ रही है। ताज़ा घटनाक्रम में मंडी सुंदरनगर रूट पर चलने वाली निजी बस के चालक व परिचालक की सुंदरनगर में शरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार मंडी सुंदरनगर चलने वाली एक प्राइवेट बस कुंद्रा ट्रेवल नंबर HP 655288 जब NH21 चंडीगढ़ मनाली पर स्थित नरेश चौक के समीप पहुंची, तो इस बस के चालक ने बस को सड़क पर खड़ी कर शरेआम दूसरी बस के चालक व परिचालक के साथ बहसबाजी करने लग गए। वहीं प्राइवेट बस चालक व परिचालक की गुंडागर्दी बस में बैठी सवारियों और हाईवे पर जा रहे वाहन चालकों पर भारी पड़ गई। इस कारण हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि निजी बस चालक एक दूसरे से टाइम की समस्या को लेकर बहस कर रहे थे। बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को जिला मंडी के रानीबाई में एक प्राइवेट बस दूसरी बस के प्रतिस्पर्धा के कारण NH21 पर पलट गई थी और इस दुर्घटना में कई सवारियां घायल हो गई थी। निजी बस चालकों व परिचालकों द्वारा प्रतिदिन NH21 चंडीगढ़ मनाली पर टाइम और सवारियां उठाने को लेकर जानलेवा खेल खेला जाता है। सवारियां उठाने की होड़ में प्राइवेट बसों के चालक व परिचालक कभी बस को बिल्कुल धीरे और कभी तेज रफ्तार से चलाते हैं। इस कारण बस में बैठी सवारियां और अन्य लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। टाइम टेबल की समस्या को लेकर NH21 पर धीरे धीरे बस को चलाने की वजह से बसों के पीछे लंबे जाम की समस्या पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इन निजी बस चालकों को हिदायत नहीं दी है, लेकिन फिर भी यह निजी बस चालक व परिचालकों ने शरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस व परिवहन विभाग इस तरफ ध्यान देकर इन बेलगाम प्राइवेट बसों के चालकों व परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। आज सुबह नरेश चौक सुंदरनगर में दो प्राइवेट बसें जो मंडी की तरफ से सुंदर की तरफ आ रही थी, किसी बात को लेकर उनमें आपस में बहसबाजी शुरू होगी और उन लोगों ने बसें सड़क में लगाकर बहसबाजी शुरू कर दी और सारा ट्रैफिक जाम की तरह ये मामला ध्यान में है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।